पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आशा कर्मियों ने हजारों की संख्या में मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आशा कर्मियों का कहना है कि उनको सही मानदेय नहीं दिया जा रहा है और एक प्रसूति के यहां उनको 24 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन उस समय के अनुसार उसकी उचित शुल्क उनको नहीं मिलता है। आशा कर्मियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मानदेय सुनिश्चित करने की मांग की है। आशा कर्मी ने कहा कि उन्हें प्रोत्साहन राशि देना बंद करें और मानदेय देना शुरू कर दें। उनकी मांग सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल करेंगे और प्रदर्शन जारी रखेंगे। मानदेय के रूप नहीं करती है तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल सब पीएससी को बंद कर देंगे हम लोग, और उस पर सारी बिहार की आशा उतर जाएगी। एक भी काम हम लोग नहीं करेंगे, पीएससी को बंद कर देंगे। हाँ, हड़ताल है यहाँ, हम लोग कल से आए हुए हैं, आज सारे दिन हम लोग यहीं हड़ताल है। हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री से मांग है, नीतीश कुमार से मांग है कि हम लोग का प्रोत्साहन राशि बंद करे और मानदेय के रूप में हम लोग को करे, और नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर उतरेंगे और पीएससी को पूरा बिहार को हम लोग बंद करेंगे। एक डिलीवरी लाते हैं तो 24 घंटा हम लोग बैठते हैं पीएससी में, और अगर मजदूरों का जैसे पैसा मिलता है उस तरह हम लोग का पैसा भी नहीं मिलता है, तो सारी काम करते हुए हम लोग ठप कर देंगे। सरकार अगर मानदेय का रूप हम लोग नहीं किया, मानदेय कर दे, सारा प्रोत्साहन राशि बंद करे। बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान आशा कर्मियों के साथ उनके और भी समर्थक दिखे, वहीं आशा दीदी प्रदर्शन करते हुए काफी उग्र नजर आईं। पंजाब की श्री टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।